प्यारे बच्चों मैं मैथ सफारी से एस गुप्ता आपके सामने पुनः हाजिर हुआ हूं क्योंकि बच्चों की बहुत टेलीफोन बहुत रिक्वेस्ट आ रही है उनके गार्जियंस की रिक्वेस्ट आ रही है कि हमारे बच्चों को फैक्टर सिखा दीजिए फैक्टराइजेशन करना सिखा दीजिए तो आज मैं फैक्टराइजेशन सिखा रहा हूं और ऐसी टेक्निक बताऊँगा जो आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ फैक्टराइजेशन की मिडिल टर्म से तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल अभी आप नहीं जानते होंगे ये दो डिग्री का है दो डिग्री का है एक्स स्क्वायर फिर एक कम हो गया ना एक्स आ गया और यहाँ पे एक्स गायब हो गया कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस नाइनटीन एक्स प्लस एक्स सारे सवाल इस तरीके के होंगे जरूरी नहीं एक्स में हो मैं यहाँ वाई स्क्वायर प्लस नाइनटीन वाई प्लस सिक्सटी लिख सकता हूँ मैं नाइन ए स्क्वायर प्लस नाइनटीन ए प्लस सिक्सटी लिख सकता हूँ तो इसका हमारा तरीका क्या है इसका तरीका यह है कि हम इसको पहला लॉजिक समझ लीजिए कि कॉन्स्टेंट टर्म लीजिए सिक्सटी और यहाँ का कोफिशियंट लीजिए यहाँ कोफिशियंट तो आप जानते हैं आपको सिखा दिया इसका कोफिशियंट है वन वन इंटू सिक्सटी कोफिशेंट लीजिए वन इंटू सिक्सटी यहाँ अगर टू होगा तो मैं टू ले लूँगा टू इंटू सिक्सटी करूंगा ये पहला नियम है मैं टू इंटू सिक्सटी करूंगा तो ये हो गया आपका सिक्सटी तो सिक्सटी सिक्सटी को ऐसे लिख लीजिए अब इसको ब्रेक करिए टू में ऐसे दो नंबर्स में ब्रैक करिए जिनका सम 19 आए प्लस का यहाँ प्लस है तो प्लस का प्लस का 19 आए और प्रोडक्ट इन नंबर की 60 आए ये लॉजिक है बस ये कांटा बना लीजिए इससे हम बड़े बड़े सवाल हल करेंगे 60 को ऐसे दो नंबर में ब्रैक करिए जिनका सम 19 आए और जिनकी प्रोडक्ट 60 आए मेरी बात पे ध्यान दीजिए आप तो इसका इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हैं या टेबल आपको आती है तो टेबल कर लीजिए फिफ्टीन फोर जा जल्दी से कर लीजिए फिफ्टीन फोर जा देखिए तो आसान सवाल था फिफ्टीन फोर जा देखिए फिफ्टीन फोर जा सिक्सटीन और फिफ्टीन और एक्स फोर नाइनटीन हो गया प्लस का है तो ये भी मैं प्लस कर लूँगा ये भी प्लस कर लूँगा फिफ्टीन फोर जा समझ में आया नाइनटीन अब हम नाइनटीन की जगह केवल इसकी जगह ये चीज़ रखेंगे कैसे देखिए इधर ला रहे हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स ये दो ब्रेक हो गया दो चीज़ों में फिफ्टीन एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्सटी ऐसे लिख दीजिए प्लस सिक्सटी ऐसे लिख दीजिए प्लस सिक्सटी लिख दीजिए मैं इसे मिटा देता हूँ थोड़ा सा प्लस सिक्सटी ऐसे लिख दीजिए ये तो समझ में आएगी आपकी चलिए प्लस सिक्सटी लिख दीजिए अब इसको जो है ये आपका हो गया ठीक फिर चेक कर लीजिए फिफ्टीन एक्स फोर एक्स नाइनटीन एक्स आ गया फिफ्टीन की फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटी आ गया ये लॉजिक है बस समझ गए अब आप दो दो के पेयर बना लीजिए अंडरलाइन कर दीजिए दो के नीचे ऐसे करके इसमें से कॉमन निकाल लीजिए कॉमन भी आपको आता है निकालना हमने सिखाया पहले कॉमन आता है इसमें से क्या चीज ऐसी है जो कॉमन आ रही है बाहर केवल एक्स आ रहा है कोई न्यूमेरिकल तो नहीं आ रहा कोई गिनती तो नहीं आ रही कोई कांस्टेंट डिग्री तो बाहर नहीं आ रहा रियल नंबर कोई बाहर तो नहीं आ रहा नहीं आ रहा तो एक्स आ रहा है तो एक्स वेरिएबल है तो एक्स कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचा दो एक्स थे ना एक्स इंटू एक्स एक एक्स बच गया प्लस फिफ्टीन एज एज इट इज़ आया फिफ्टीन अबाई एक्स तो निकल गया ना बाहर तो फिफ्टीन बचा प्लस इसमें देखिए क्या आ रहा है इसमें इसमें देखिए फोर कॉमन आ रहा है फोर फोर कॉमन निकालेंगे तो एक्स और प्लस फोर इसमें से तो फोर से ऐसे डिवाइड कर दीजिए पंद्रह आएगा फिफ्टीन याद ये याद रखिएगा ये ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंट जो फैक्टर ये आ रहा है अंदर वो ही इधर आना चाहिए अदरवाइज आपने कुछ गलती करी है और गलती होगी नहीं अगर आप ये वाला नियम फॉलो करेंगे तो ठीक है अब इसको अलग अलग कर लीजिए एक दफा जो अंदर है दोनों में वो लिख लीजिए x प्लस फिफ्टीन और एक दफा जो बाहर वाले हैं ये लिख लीजिए x प्लस चार ये हमारा फैक्टराइजेशन है।, है फैक्टर होगा इसके दो फैक्टर आएंगे दो क्यों आएंगे क्योंकि तो ये दो डिग्री का है दो आएंगे अगर ये तीन डिग्री का है तो तीन आएंगे अगर चार डिग्री का है तो चार फैक्टर आएंगे ये फैक्टर कहलाते हैं दिस इज द फैक्टर ये फैक्टर है ये आंत इसका क्या मतलब है फैक्टर का साहब भाई ये भी नहीं पता आपको इसका मतलब ये कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही चीज़ आ जाएगी फिर यही चीज़ आ जाएगी मल्टीप्लाई करके देखिए आप इनको आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा इसकी एक्स की मल्टीप्लाई करिए एक्स से और एक्स की करिए एक्स फोर से फिर फिफ्टीन की करिए एक्स है फिफ्टीन और जोड़ घटाना सेपरेट एडिशन कर लीजिए यही चीज़ आ जाएगी हमें उससे मतलब नहीं हमको तो फैक्टराइजेशन सीखना है तो फैक्टराइजेशन क्या करा एक दफ़ा फिर समझिए फैक्ट्राइजेशन में एक्स स्क्वायर प्लस नाइनटीन एक्स प्लस है बच्चे कह रहे हैं हमारी इसकी पहचान क्या है साहब अरे पहचान बेटा ये है कि ये दो डिग्री का है ये वन डिग्री का है ये कॉन्स्टेंट है ख़त्म पहले दो डिग्री आएगी एक्स स्क्वायर एक्स के ऊपर दो डिग्री फिर नाइन फिर कोई कोफिशेंट होगा उसके बाद एक्स आएगा फिर एक्स गायब हो जाएगा दिस इज कार्ड क्वाड्रेटिक पोरिन कहलाता है अगर बराबर जीरो लगा देंगे तो वो कहलाएगी इक्वेशन जो सब आप सीख चुके हैं अलग अलग चैप्टर है यहाँ तो आज लॉजिक है हमारा फैक्टराइजेशन स्प्लिट द मिडिल टर्म मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट करा तो मैंने क्या करा सिक्सटी ऑफ इसका कोफिशंट की मल्टीप्लाई करी वन इंटू साठ ये आया हमारा साठ सिक्सटी आया अब इस सिक्सटी के हमने दो ऐसे नंबर करेंगे डिजायर दो नंबर में इसे ब्रेक करेंगे जिनका समी को जिसका सम नाइनटीन आए और जिसका पॉजिटिव 19 आए और जिसकी प्रोडक्ट 60 आए भैया लॉजिक है तो 60 के हमने कर लिए भाई बारह ट्वेल्व फाइव जा ट्वेल्व फाइव जा।, जा भी होता है लेकिन ट्वेल्व फाइव का तो सम 17 आएगा प्रोडक्ट जरूर आएगी भाई ठीक कह रहे हो आप बेटा 60 के हमने टू क्या करे एक बच्चा कह रहा है सर बारह ट्वेल्व फाइव जा नहीं बेटा ट्वेल्व फ़ाइव जा सिक्सटी तो आएगा लेकिन सम तो कहाँ आया ट्वेल्व फाइव का सेवनटीन आया हमें तो चाहिए नाइन्टीन नहीं आया ना टेन सिक्स जा लो एक लड़का कह रहा है टेन सिक्स रख लो जी सिक्सटी के टुकड़े टेन सिक्स जा बेटा टेन सिक्स जा करने में तुम्हारा प्रोडक्ट तो आ गई लेकिन सम क्या आया सिक्सटीन हमें चाहिए नाइनटीन गलत हो गया इसलिए इस कांटे से हम इस कांटे को हम इस्तेमाल करेंगे तभी आपका समझ में आएगा ठीक है चलिए दूसरा सवाल करते हैं दूसरा सवाल करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा दूसरा मैं मिटा रहा हूं फिर दूसरा सवाल करते हैं देखिये दूसरा सवाल अभी आसानी हम फर्स्ट स्टेप पर चल रहे हैं एक्स स्क्वायर फिफ्टीन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस फिफ्टी सिक्स ठीक है भाई तो एक्स स्क्वायर का कोफिशन क्या है वन और कांस्टेंट टर्म क्या है फिफ्टी सिक्स ये क्या आया फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई होगा फिफ्टी सिक्स आज सारे सवाल इसी लॉजिक के अब फिफ्टी सिक्स के मैं ऐसे दो नंबर में ब्रेक करूंगा जिनका सम 15 है समझे नहीं तो क्या होगा भी टेबल है क्या कह रहे हैं 14 फोर जा अरे भाई चलो ये कह रहे हैं 14 फोर जा लिखो लो मैं लिख रहा हूं 14 फोर जा हाँ ठीक कह रहा हो बेटा 14 फोर जा 56 होता है ठीक कह रहा हो लेकिन 14 और 4 का सम करेंगे तो तो 18 आ रहा है और यहां हमें चाहिए 15 गलत हो गया यही चीज बताती है आपको नाओ है ये यही चीज बताएगी तो इसका मतलब आपने गलत करा। फैक्टर कर फैक्टर तो कर लिए 14 नहीं ठीक है 88 28 चलो भाई ये कह रहा है लड़का एक लड़का कह रहा है 28 टू जा चलो 28 टू जा लो मैंने लिख लिया 28 हां 28 की प्रोडक्ट तो आ गई लेकिन सम सम 30 आ रहा बेटा 30 यहां मैं चाहिए 15 तो गलत हो गया तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए आप दिमाग में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खूब जल्दी जल्दी करेंगे क्या करेंगे सेवन एट जा हाँ सेवन एट जा सेवन एट जा हाँ सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स होता 56 हो है सेवन एट इस प्रोडक्ट और फिफ्टी सिक्स और सम फिफ्टीन आया भाई सवाल अब जम गया अब गलत नहीं होने का अब हम इसको ब्रैक करेंगे इस सवाल को ब्रैक करेंगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस एट एक्स क्या मैं पहले ऐसे हाँ आप चाहें एट पहले लिख दिए सेवन एक्स दीजिए हमको इससे सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता आप सेवन पहले लिख दीजिए एट पहले लिख दीजिए कुछ नहीं तो चलिए तो सेवन एक्स प्लस एट एक्स प्लस फिफ्टी सिक्स बोलिए लिख दिया भाई सब ब्रेक कर दिया फिफ्टीन को सात हो रहा है और कांटे से फिट करके कर देख लिया सेवन एट जो है और सात और रहा फिफ्टीन हो रहा है सवाल आ गया बस अब तो आप दो दो का पेयर बनाइए और कॉमन ले लीजिए कॉमन लेने में इसमें एक्स कॉमन आ रहा है देखिए एक्स प्लस सेवन बचेगा अंदर प्लस इसमें से एट कॉमन आ रहा है तो एट एक्स प्लस एट सेवन जा मैंने आपको एक तरकीब बताई थी कि याद कर लीजिए कि ये दोनों फैक्टर हो ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए ये दोनों फैक्टर हो ये दोनों फैक्टर कैसे होने चाहिए सेम होने चाहिए तो आ गया एक्स प्लस सेवन एक दफ़ा एक्स प्लस सेवन लिख दीजिए दोनों में कॉमन आ रहा है दूसरी तरफ बाहर वाले लिख दीजिए एक्स प्लस एट दिस इज द आंसर दिस इज द आंसर ये आंसर सही है कैसे चेक करेंगे बेटा चेक करने के लिए वो तो मैडम ने क्या बताया कि इनकी प्रोडक्ट करके चेक करो इनकी प्रोडक्ट करके चेक करने की कोई जरूरत नहीं ठीक है इनकी प्रोडक्ट करोगे तो यही आएगा अगर आपने इसको चेक करना है तो इससे करिए चेक दिस इज द मेथड आप इससे चेक करिए बताएगा आपको सही रिजल्ट आया समझ में चलिए तीसरा सवाल देखते हैं अभी तो हम आसान पे ही चल रहे हैं तीसरा सवाल देखिए देखिए मैं निकालता हूं तीसरा सवाल पेन ले लेता हूं एक रेड देखिए तीसरा सवाल क्या है बहुत आसान है एक एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स प्लस 40 अरे भाई 40 ये सवाल है 40 40 ठीक है ये 40 आ गया अब देखिए इसको सवाल करने का तरीका क्या करेंगे इसे हम कोफिशिएंट बिल्कुल सही है 40 और 1 इसका कोफिशिएंट क्या है 1 तो 1 ऑफ 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 into 40 is equal to 40 आ गया अब इस 40 के हम दो ब्रैक करेंगे जिन दो नंबर में ब्रेक करेंगे जिनकी प्रोडक्ट फोर्टी हो और जिनका सम थर्टीन हो कर लीजिए साहब फोर्टी ट्वेंटी टू जा बेटा ट्वेंटी टू जा तुम लिख तो लो ट्वेंटी टू जा फोर्टी तो आ गया अब इसका प्रोडक्ट को भी तो चेक करो कि बीस और टू और ये ट्वेंटी टू आ रहा है मुझे चाहिए थर्टीन समझे नहीं बोलो टेन फोर जा 10 फोर जा चेक करो अपने आप हाँ, टेन फोर जा लो मैं तो लिख दूंगा टेन फोर जा टेन जा लिख दिया ठीक है प्रोडक्ट आ गई प्लस में आ गई ये प्लस है तुम्हारा वो भी प्लस है लेकिन इनका सम कितना आ रहा है फोर्टीन और मुझे चाहिए मुझे चाहिए बोलो कितना चाहिए थर्टीन तो फिर गलत हो गया तो बोलो कोई बच्चा बताएगा एट फाइव जा वेरी गुड क्या नाम है आपका अतुल अतुल बेटा ठीक है बहुत अच्छा बहुत अच्छा एट फाइव जा वेरी गुड एट फाइव जा देखो एट फाइव जा फोर्टी लेकिन एट और फाइव का सम थर्टी ये चब थी वह, ये लॉजिक है आज आपको यही सिखाना कभी मात नहीं खाओगे इसी कांटे से चेक करेंगे तो देखिए अभी से ब्रेक हो गया मेरा तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फोर्टी ठीक है क्या कह रहे हैं बेटा पहले रख दू आप कह रहे हैं कि सब फाइव एक्स को इधर रखो इसको इधर रखो लो इसमें क्या बात है भाई लो बेटा बच्चा कह रहा है कि आपने एट एक्स रखा आपका फाइव एक्स रख दीजिए बेटा उत्तर वही आएगा बात फाइव और एट थर्टीन हो गया और फाइव एट या फोर्टी हो गया कांटा लग गया बस तो अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए कैसे ही कर लीजिए कैसे ही कर लीजिए तो करिए एक्स कॉमन ले लीजिए एक्स प्लस फाइव प्लस इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आप बोलिए ठीक है बिल्कुल ठीक है एट एट बोल रहा बच्चा एट एक्स प्लस फाइव इसके बाद हमने क्या बताया इसके बाद हमने आपको बताया कि दोनों टर्म सेम होनी चाहिए दोनों टर्म सेम है ये वाली दोनों टर्म सेम होनी चाहिए देखो सेम है देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम होनी चाहिए हाँ हैं है। तो कॉमन ले लीजिए एक्स प्लस फाइव दोनों में है एक दफा लिख दीजिए एक दफा बाहर वाले लिख दीजिए एक्स प्लस एट दिस इज द आंसर कोई चेक करने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये कांटा फिट कर लिया तो कोई गलती नहीं है यही मुझे बताना था आपको ये कोई नहीं बताता स्कूल में किसी तरीके से नहीं बताते बच्चों को स्कूल में कि ये कांटा लगाइए यही कांटा कई बार गलती हुई आपने कहा ट फोर जा मैंने कि नहीं टेन फोर जा का समीन आ रहा आपने कहा ट्वेंटी टू का, 22 22 का सम भी गलत हो गया 13 चाहिए मुझे 13। तो ये सवाल सही हो गया ऐसे करेंगे सवाल को समझ गए आप देखिए फोर्थ सवाल ये कौन सा था फोर्टी वाला अभी तो मैं आसानी लिए अभी देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट दिफ, आएगा थोड़ा सा कोई डिफिकल्टी नहीं आने की कहीं नहीं आने की अगर आपने लॉजिक सीख लिया तो चलिए अगला सवाल देखिए फोर सवाल इसमें माइनस आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी थ्री एक्स प्लस फोर्टी टू ठीक है तो इसको हम ब्रैक करेंगे तो कोफ़िशेंट इसका वन है इसका फोर्टी टू है तो फोर्टी टू ही आया फोर्टी टू के ऐसे दो फ्रैक्टर करिए ऐसे दो नंबर में ब्रैक करिए जिनका सम ट्वेंटी थ्री आए ठीक है बोलो और प्रोडक्ट प्लस किया है भाई तो चलो भाई इक्कीस ट्वेंटी वन भाई बहुत सारे हैं ट्वेंटी वन देखो फोर्टी टू को वो ऐसा करते हैं इसको फैक्टर कर लेते हैं फैक्टर कर लीजिए सर आसान तरीका सीखिए ये प्राइम फैक्टर आएगा टू थ्री सेवन अब इसमें कोई इस तरीके से दो दो के पेयर बनाइए जिनका सम ट्वेंटी थ्री और प्रोडक्ट तो आएगी इनकी तो सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन और माइनस दो देखो रख के देखते हैं ट्वेंटी वन और माइनस और दो भाई ये मैंने रखा मुझे तो माइनस के ट्वेंटी थ्री चाहिए और प्लस की प्रोडक्ट चाहिए मुझे प्लस का चाहिए और माइनस के ट्वेंटी वन चाहिए तो माइनस के करने के लिए मैं इसे भी माइनस करूंगा इसे भी माइनस करूंगा अब इनका सम करके देखो इनका सम ट्वेंटी वन आ रहा है माइनस के ट्वेंटी वन और माइनस के दो ट्वेंटी थ्री हो गया इनकी प्रोडक्ट करो अगर माइनेस दे माइनस ई ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू की अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस माइनस तो तो प्लस और एक फोर्टी टू आ गया और अगर सम करते हैं तो माइनस के ट्वेंटी वन और माइनस के दो मिलकर ट्वेंटी थ्री आ गया माइनस के बाद यही बात ध्यान रखने की है यही चीज़ ध्यान रखने की है कि हम किस तरीके से करें तो हमारा फैक्टर आ गया हमने ऐसा कर नहीं आया दिमाग में सेवन सिक्स भी होता है बिल्कुल होता है फोर्टीन फोर जब फोर्टीन थ्री जा भी होता है लेकिन उससे किसी तरीके से नहीं आ रहा सिवाय इसके अलावा तो मैंने ऐसा कर दिया आप देखिए अब हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे अलग अलग करके लिखेंगे देखिए मेरे फैक्टर आ गए दो पहले लिख दो या ट्वेंटी वन लिख दो उधर या इधर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस के ट्वेंटी वन एक्स इसमें एक्स है ना इसको मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ और माइनस के टू एक्स प्लस के फोर्टी टू अब आप कहोगे चेक चेक तो हमने यहीं कर लिया यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है चलिए साहब ये पेयर बना लीजिए पेयर बना के कॉमन लीजिए कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन आएगा तो एक्स माइनस ट्वेंटी वन आएगा एक्स कॉमन निकल गया एक्स लू माइनस माइनस के क्या कॉमन लूँ मुझे यही, यही बनाना एक्स आना चाहिए तो माइनस के दो माइनस के दो कॉमन आ रहा है या माइनस के दो कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ एक्स हो गया प्लस का ये माइनस तो बाहर निकल गया तो साइन चेंज हो जाएंगे जब माइनस बाहर निकालेंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो प्लस वाला माइनस हो गया माइनस बाहर निकाल रहा हूँ प्लस वाला और दो बाहर निकाल रहा हूं तो दो सही से भाग दे दो ये चीज़ सेम आ गई अगर आप देखें तो ये चीज़ सेम आ गई अगर सेम आ गई तो आपका सवाल सही है तो एक दफ़ा सेम वाला लिख दीजिए एक्स माइनस ट्वेंटी वन और एक दफ़ा एक्स माइनस टू बाहर वाला लिख दीजिए दिस इज़ द आंसर कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं अगर ये कांटा चेक कर लिया तो कहीं गलती नहीं होने की बिल्कुल कहीं गलती नहीं होने की चलिए अगला सवाल करते हैं वो लोग समझ में आया देखे और आएगा समझ में आपके फिफ्थ सवाल में भी माइनस है अरे भाई चलो भाई चलो भाई चलो देखते हैं भाई एक्स स्क्वायर अभी तो बहुत आराम वाले सवाल हैं एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर लो भाई वही इसका कोफ़िशन वन इसका कोफिशन ट्वेंटी फोर यानी ट्वेंटी फोर भाई वन इंटू ट्वेंटी फोर मैं हर सवाल में ऐसा कर रहा हूँ अभी तो मैंने सिंपली है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका समझ बहुत देखिए बहुत बढ़िया बोलिए बारह ट्वेल्व टूजा बिल्कुल सही है भाई शाबाश ट्वेल्व टूजा मैं रख कर दिखाता हूँ आपको कहाँ आप फेल होंगे कहाँ पास होंगे इस सवाल में यही बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है करने का ठीक है साहब हमारे ट्वेल्व टू जाओ तो फोर्टी ट्वेंटी फोर आ गया अब हमें मतलब तो माइनस के टेन लाना है माइनस के बारह कर दूं लो और इसे प्लस कर दूं बिल्कुल ठीक है भाई आपके बाद हमने मान ली हमने माइनस बारह कर दिया टू कर दिया तो माइनस ट्वेल्व में से टू गया तो माइनस के टेन आ गया बिल्कुल ठीक है क्या इन दोनों की प्रोडक्ट प्लस के आ रही है ये प्लस का है प्लस का था ये क्या प्रोडक्ट आ रही है प्लस की नहीं आ रही रही प्रोडक्ट इसकी माइनस ट्वेंटी फोर और मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए प्लस का ट्वेंटी फोर गलत पकड़े गए यही गलत थी है यही बच्चे गलती करेंगे साहब जल्दी जल्दी कर देंगे बारह मैं तो कर आया साहब सही हो गया मेरा फैक्टर ना फैक्टर गलत हो गया अभी बिल्कुल गलत हो गया तो फिर क्या करें फिर क्या करें देखो दूसरा कोई लॉजिक लगाओ इसमें तो नहीं आ रहे समझ लो अच्छी तरह इसमें तो बारह ट्वेल्व टू जा तो फोर्टी ट्वेंटी फोर आ रहा है लेकिन तो, माइनस टू ट्वेल्व और जब प्लस करके हम लगाएंगे हमें माइनस टेन जैसा लाना है तो माइनस टेन इसी स्थिति में तो आएगा तो माइनस टेन तो आएगा लेकिन प्रोडक्ट इसकी इसकी प्रोडक्ट तो माइनस ट्वेंटी फोर आई तो गलत हो गया तो आप क्या करें एक और फैक्टर करके देख लीजिए भाई कोई और आता हो कोई बच्चा बताइए सिक्स फोर जा देखते हैं भाई आप कह रहा हो सिक्स फोर जा करके हाँ होता तो है सिक्स फोर जा एट थ्री जहा भी होता हाँ होता है एट थ्री जहा एट थ्री से करेंगे तो अलेवन आएगा देख लो चलो भाई चलो भाई एट थ्री कह रहे हैं पहले रखो तो देखो एट थ्री जहा ट्वेंटी फोर आ गया ठीक है मुझे माइनस ये माइनस का ले लो ये कह रहे हैं माइनस का ले लो बेटा माइनस माइनस ले लिया तो ये माइनस के अलेवन उक्स हुआ और ये प्लस के हो गया बात आपकी सही है लेकिन ये टोटल तो माइनस अलेवेन हुआ मुझे टेन चाहिए ये भी बात फेल हो गई फेल हो गई तो किस बच्चे ने बताया था अभी सिक्स फोर जा आपने बताया था सिक्स फोर जहा क्या नाम है रजनीश रजनीश नाम है ठीक है सिक्स फोर जा बेटा देखो अब सिक्स फोर जा कह रहा हूं मैं सिक्स भी रख सकता हूं इधर फोर भी रख सकता हूं या फोर इधर रख दूँगा सिक्स रख दूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे तो इसकी प्रोडक्ट देखिए माइनस के टेन लाने तो इन दोनों में माइनस का कैसे आएगा जब मैं इसे भी माइनस करूंगा इसे भी माइनस करूंगा तो माइनस के टेन आ गए भाई मल्टीप्लाई देखो भाई सर माइनस के टेन और माइनस के सिक्स की जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के सिक्स की और माइनस के फोर की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी फोर प्लस का आ जाएगा वेरी गुड भाई रजनीश बाबू वेरी गुड ट्वेंटी फोर आ गया प्लस के हो गया हर तरीके से चेक हो गया अब सवाल गलत नहीं होगा अब इसे रख लीजिए अब इसे रख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के सिक्स एक्स माइनस के फोर एक्स और प्लस के ट्वेंटी फोर बस अब कुछ नहीं अब इसके दो दो के जोड़े बना लीजिए पेयर बना लीजिए कॉमन ले लीजिए इसमें से एक्स ही कॉमन आ रहा है माइनस के फोर कॉमन आ रहा है क्योंकि मुझे एक्स लाना है तो माइनस के फोर ही अधिक से निकल रहा है ट्वेंटी फोर में से भी जब माइनस बाहर निकाल रहा हूँ तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा जब माइनस बाहर हूँ तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और फोर सिक्स जा सिक्स टेबिल देखिए जो चीज़ ये है वही चीज सेम आ गई आपका सवाल सही है तो एक दफा कॉमन ले लीजिए दोनों में एक्स माइनस सिक्स और बाहर वाले ले लीजिए एक्स माइनस फोर देखा कितना बढ़िया सवाल था कई बच्चों ने गलत करने की कोशिश करी ट्वेल्व टू या बिल्कुल ठीक करो ट्वेल्व टू जा बेटा ट्वेल्व टू जैसे भी नहीं हुआ इस कांटे से फिट करा जो न, ये जो सूत्र है ना ये इससे सूत्र से हमने प्रूव करके देखा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा इससे जब तक नहीं होगा जब तक नहीं होगा देखिए आप थोड़े से भारी सवाल आ रहे हैं फिर अगला देखिए पाँच सवाल छठा देखिए अब देखिए छठा सवाल हम करने जा रहे हैं सेवनटीन है चलो कोई बात नहींक्वायर माइनस सत्रह सेवनटीन एक्स प्लस के सोलह अरे भाई ये तो बहुत भारी सवाल, तो वन है और सिक्सटीन है प्लस के है तो प्लस के सिक्सटीन प्लस के सिक्सटीन प्लस के सिक्सटीन से हम क्या करेंगे प्लस के सिक्सटीन प्लस के सिक्सटीन आया भाई देखो वन इंटू सोलह इजिकल टू सिक्सटीन आया बस सिक्सटीन और वन इसके हमको दो फैक्टर करने हैं जिनका सम माइनस सेवनटीन आए माइनस सेवनटीन आए दो फैक्टर ऐसे करने हैं दो नंबर्स से ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनका सम माइनस आए भाई इसके फैक्टर तो एट टू जा बेटा एट टू जा रखोगे तो टेन आएगा एट और टू जा तुमने कहा एट टू जा चलो भाई एट टू जा रख के देख लो या तो एट और दो दस होंगे या एट में से दो गया छह होगा घटा के तो ये क्या आ रहा है यहाँ सेवेंटीन आ रहा है ये क्या आ रहा है सेवनटीन तो गलत हो गया फिर बोलो फोर, फोर जा भे भाई साहब फोर फोर्जा तो होता तो है लेकिन इनका सम या तो आठ आ रहा है या इसका अंतर निकालो तो जीरो आ रहा है तो ये भी नहीं है भाई नहीं है भाई और कोई कोई बच्चा बताए इसके सवाल को कैसे करेंगे बोलो कोई बच्चा बोलो इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बोलो आप बोलो सिक्सटीन वेरी गुड क्या नाम है आपका अतुल अतुल बैठ जाओ सिक्सटीन वन जा वेरी गुड आपको फैक्टर आते हैं सिक्सटीन जा जब भी कभी जब भी कभी यहाँ पर जो नंबर है उससे एक अधिक या एक कम हो अगर यहाँ सिक्सटीन है तो यहाँ फिफ्टीन भी हो या सिक्सटीन है तो सेवनटीन हो तो हम उसको सिक्सटीन जा करके तोड़ लेते हैं वन का टेबल में तो देखिए सिक्सटीन अब मुझे तो लाना है माइनस के सेवनटीन और ये प्लस का लाना है, ये प्लस का है और मुझे तो माइनस इस पर लगा दिए इसका इन दोनों का सम माइनस सेवनटीन आ गया इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस माइनस की प्रोडक्ट प्लस प्लस सिक्सटीन आ गया सवाल आपका सेट हो गया समझे तो देखिए माइनस सिक्सटीन एक्स माइनस एक्स और प्लस के सोलह ये ऐसे रखेंगे ये भी ये मिडिल टर्म को ही मैं दो भागों में विभाजित कर रहा हूं ये ठीक है अब आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए कर लीजिए तो कॉमन ले लीजिए तो एक्स कॉमन आएगा एक्स माइनस सिक्सटीन बचेगा इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए माइनस कॉमन लेते के साथ ही अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस का माइनस का साइन इसमें तो एक्स कॉमन आ ही नहीं रहा जब माइनस के कॉमन नहीं आया तो माइनस का वन कॉमन ले लीजिए वन वन गिनती है माइनस का साइन ही तो कॉमन आ रहा है तो वन ले लीजिए तो वन लेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा माइनस वन जब कॉमन ले रहा हूँ माइनस का साइन बाहर ले रहा हूँ तो ये माइनस सिक्सटीन हो जाएगा देखिए ये दोनों सेम आ गए बोलिए ये सेम आ गए सेम आ गए तो इसे लिख दीजिए एक्स माइनस सिक्सटीन एक दफ़ा लिख दीजिए और एक दफ़ा लिख दीजिए एक्स माइनस वन दिस इज़ द आंसर कितना बढ़िया सवाल था आपकी समझ में आया होगा फैक्टर करने का तरीका और देखिए अभी और समझ में आएंगे आपके आएं देखिए सेवनटीन सवाल देखे सातवा सवाल देखिए सेवन बहुत भारी सवाल है नहीं भाई भारी कुछ नहीं होता अब आप सीख गए तो अब भारी कुछ नहीं होगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और माइनस के सेवेंटी सेवन बाई वाह माइनस के सेवेंटी सेवन की वन सेक के कोफिशंट से जब गुणा करूंगा देखिए वन इधर पॉजिटिव है और इधर माइनस के सेवेंटी सेवन की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा माइनस के सेवनटी सेवन के दो फैक्टर करने अब माइनस आ गया भाई सवाल में सब तरीके का सब माइनस के ऐसे करिए जिनका सम चार आए 11 सेवन जा वेरी गुड और तो कोई फैक्टर होंगे ही नहीं इसके तो होंगे ही अलेवन सेवन 11 सेवन जा. जा तो कर दिया मुझे तो चार एक्स लाना है और प्रोडक्ट माइनस की लानी है देखिए समझिए मुझे चार एक्स लाना है तो क्या करें माइनस के चार एक्स लाना इसमें से घटा दीजिए इसे माइनस का ले लीजिए इसे प्लस का ले लीजिए देखिए माइनस के अलेवन में से सेवन गया तो माइनस के सेवन एक्स आए ये माइनस प्लस का खेल आना चाहिए आपको अच्छी तरह तो माइनस के अलेवन में से सात गए तो माइनस के चार आए अब क्या इसकी प्रोडक्ट करके देखिए सर हाँ इसकी प्रोडक्ट तो सर माइनस के सेवेंटी सेवन आ गई एक प्लस का एक माइनस का आ गई तो आपका सवाल सही हो गया इसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आई नहीं आई तो चलिए रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अलेवन एक्स प्लस के सेवन एक्स माइनस के सेवेंटी सेवन पेयर बना लीजिए पेयर बना के कॉमन ले लीजिए तो इसमें से x कॉमन आएगा तो x माइनस अलेवन और कुछ आ ही नहीं सकता कॉमन प्लस का है कोई घर घबराने की बात नहीं इसमें से सेवन कॉमन आ रहा है क्योंकि मुझे x लाना है तो x बन गया मेरा सेवन कॉमन ले लीजिए x बन गया माइनस के अलेवन एक पेयर कॉमन जो सेम आ गया अगर ये सेम आ गया तो आप लिख लीजिए एक्स माइनस अलेवन पहले जो दोनों में सेम है वो एक दफ़ा लिख लीजिए एक दफ़ा बाहर वाले लिख लीजिए एक्स प्लस सेवन दिस इज द आंसर ये फैक्टर हो गए आपके कोई दिक्कत थोड़ी है कोई सेवन सवाल था और देखिए माइनस वाला और कराते हैं लोग हाँ माइनस वाला भी कराते हैं फिर थोड़ा सा भारी कराएं अभी आपके समझ में आ गए बेटा आ रहे हैं समझ में चलो आठवां सवाल देखो आठवां सवाल देखो क्या एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स तो कर दिया नहीं आठवां सेवन एक्स ही है प्लस माइनस थर्टी ओ हो दोनों माइनस आ गए कोई बात नहीं इसका प्रोडक्ट लीजिए इसका कोफिजेंट क्या है वन इसका कोफिजेंट क्या है माइनस थर्टी इनकी प्रोडक्ट निकालिए तो ये माइनस के थर्टी आया इनके दो फैक्टर करिए जिनका सम माइनस सेवन आए फाइव सिक्स जा बेटा फाइव सिक्स जा रख के देख लो कर करके देखो आप आप मेहनत करो सिक्स फाइव जा रख लो चाहे फाइव सिक्स जा रख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन सिक्स फाइव जा या तो अलेवन होता है या सिक्स में से तो फाइव गया तो बन आता है या सेवन ऐसा कांटा मान लिया करो इन दोनों का सम करके देख लो इन दोनों का डिफरेंस देख लो इनमें से एक नंबर होना चाहिए या नहीं आ रहा इन दोनों का सम अलेवन आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस वन आ रहा है तो ये बात फेल हो गई फेल हो गई आप दूसरा कोई नंबर बताइए थर्टी का आप बताइए सिक्स फाइव या तो हमने कर लिया और कौन से होंगे फिफ्टीन टू जा हाँ फिफ्टीन टू जा रख के देखो चलो आप ऐसे कॉपी पर रख रख के देखो फिफ्टीन टू का सम करो सेवनटीन मुझे चाहिए सेवन और फिफ्टीन में से दो घटाओ थर्टीन मुझे चाहिए सेवन गलत हो गया बेटा ये भी गलत हो गया आपकी बात आप बताइए थर्टी का टेन थ्री जा कौन क्या नाम है आपका क्या नाम है सरयू सरयू नाम है आपका सरयू बेटा टेन जा तुमने बहुत सही बताया शायद करके देखते हैं हम भाई टेन थ्रीजा टेन जा करा तो टेन जा करा तो थर्टी तो आएगा लेकिन मुझे तो माइनस के थर्टी चाहिए और माइनस के सेवन चाहिए जब ऐसी स्थिति हो तो बड़े वाले पे माइनस का साइन इस पर प्लस का साइन लगा दिए घटाइए घटाइए माइनस का सेवन आ गया और इसका प्रोडक्ट करिए प्लस माइनस माइनस थर्टी आ गया वेरी गुड सर यू वेरी गुड तो अब इसको रख दीजिए रख दीजिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के टेन एक्स प्लस के तीन एक्स और माइनस के थर्टी ये थर्टी ही आ गया सेवन एक्स को मैंने ब्रेक कर लिया इसमें दो टुकड़ों में समझ में आया क्या? चलिए अब आप अंडरलाइन कर लीजिए अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा इसमें से कॉमन लीजिए तो, तो एक्स कॉमन आ गया तो एक्स माइनस टेन एक्स टेन रह गया प्लस के तीन कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या आएगा तीन एक्स माइनस के टेन अब देखिए ये सेम आ गया तो एक दफ़ा इसको लिख लीजिए x माइनस टेन कॉमन है दोनों में एक एक दफ़ा बाहर वाले लिख लीजिए x प्लस थ्री ये फैक्टर आ गया और बराबर का निशान लगा लीजिए हमने कहीं बराबर का निशान नहीं लगाया अब बराबर का निशान भी लगा लीजिए इस तरीके से ये फैक्टर हो गया आपको तरीका सिखा रहे हैं हम तो ठीक है बहुत बढ़िया तरीका आ गया आपका लास्ट सवाल देखिए लास्ट सवाल देखिए क्या है अभी लास्ट का नाइन्थ है अभी तो नाइन्थ आ रहा लास्ट में नाइन्थ सवाल है भाई नाइन्थ सवाल में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स, माइनस एक्स।

आपने तो पहली बार में रत्नैया पार कर दी बहुत सुंदर भाई क्या नाम है ईशा ईशा गोयल ईशा गोयल वेरी गुड कुमारी ईशा गोयल तो एट नाइन जा भाई एट नाइन जा सही कह रही एट नाइन जा कुछ और भी हो सकते थे लेकिन इन्होंने बहुत सोच के बताया एट नाइन ठीक है एट नाइन जहाँ सेवेंटीन होता है और एट नाइन में से गया तो वन होता है हाँ भाई हो गया अब प्लस माइनस के निशान लगाने ये तो हमने चेक कर लिया कि फैक्टर यही होंगे अब प्लस के होंगे माइनस के होंगे वो हम चेक करते हैं प्लस का लाना है भाई प्लस का लाना है तो प्लस का बड़ा कर दीजिए माइनस कर दीजिए क्योंकि मुझे माइनस के लाना है देखो इसमें से घटाओ प्लस का एक्स आ गया इन दोनों की प्रोडक्ट करो माइनस आ गया वेरी गुड वेरी गुड ईशा वेरी गुड तो इसके ब्रैक कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस के एट एक्स प्लस के नाइन एक्स माइनस के सेवेंटी टू क्या कह रहे हैं सरयू हाँ बोलो बेटा सरयू पहले इसे इधर रिवर्स करके दिखाएं अभी दिखाते हैं आंसर सेम आएगा अभी हम पहले इससे कर लें फिर हम नाइन एक्स को इधर रख देंगे दिखाते हैं आपको अभी लीजिए लीजिए इससे कॉमन ले लीजिए तो एक्स कॉमन आ गया तो एक्स माइनस आठ एट प्लस के नाइन कॉमन आ गया तो एक्स नाइन एट जा सेवेंटी टू तो एक दफ़ा अंदर अंदर वाला ले लीजिए एक्स माइनस एट और एक दफ़ा बाहर वाला ले लीजिए x प्लस नाइन ये आंसर आ गया अब देखिए बेटा एक बच्चे ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि आप सब बार बार अपने मन से कर रहे हैं हम अपने मन से कर रहे हैं आप इसको पहले लिखिए इसको बाद में लिखिए ठीक है देखिए लिख के आप कॉपी पे करके देख लीजिए देखिए लिखिए तो यही सवाल को कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर अब क्या मैं प्लस के नाइन पहले ले रहा हूँ माइनस के एट एक्स बाद में ले रहा हूँ और माइनस के सेवन टू टू ले रहा हूँ लो भाई लो लिख लिया क्या दिक्कत आई तुम्हारे कहने से मैंने ऐसे लिख लिया इसमें कॉमन ले लो इसमें एक्स कॉमन आ गया तो एक्स प्लस नाइन बचा माइनस के एट कॉमन ले लीजिए क्योंकि एट नाइन जा मुझे एक्स लाना है तो माइनस के एट कॉमन लेते ये प्लस हो गया माइनस का कॉमन ले रहा हूँ माइनस अंदर है तो ये प्लस हो जाएगा और एट नाइन जा तो देखो देश सेम आ गया भाई ये सेम नहीं हो गया जैसा यहाँ सेम ये था आपका ये सेम आ गया तो लिखो सेम वाला लिख दो एक्स माइनस नाइन कॉमन ले लो एक्स प्लस नाइन और एक्स माइनस एट एक्स माइनस एट देखो एक्स माइनस एट वो इधर उधर रिवर्स है लेकिन प्रोडक्ट इसकी फैक्टर तुम्हारे सेम आए तो आपके समझ में आया इस तरीके का सवाल करने एक और देखते हैं चलो दिखाते हैं लास्ट सवाल अब हम कह सकते हैं कि ये आज की एक्सरसाइज का लास्ट फिर दूसरा एक्सरसाइज करेंगे उसके भारी और भारी दिखाएंगे आज हमने कोफिशेंट में जितने भी क्वेश्चन है सब में वन लिया है कल को दो लेंगे तीन लेंगे चार लेंगे तब कैसे करेंगे लास्ट क्वेश्चन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स टेंथ माइनस नाइनटी वन अरे भाई नाइनटी वन नाइन्टी वन की वन से गुणा करी तो क्या आया भाई वन गुणा नाइन्टी वन माइनस के देखो तो मुझे मान कर लिया करो नाइन्टी वन आया माइनस के नाइनटी वन मुझे नाइन्टी वन के ऐसे दो टुकड़े करने हैं नाइन्टी वन किसकी टेबल में आता है बोलो नाइन्टी वन किसकी टेबल में आता है कोई बच्चा बताए नाइन टेबल याद करो बेटा टेबल ट्वेंटी तक टेबल नहीं याद करोगे तो काम गाड़ी नहीं बढ़ेगी आपको टेबल याद करिए गुणा भाग अपने आप मत करिए कोई शॉर्ट टेबल में नहीं है टेबल याद करिए थर्टीन सेवन जा वेरी गुड क्या नाम है आपका बेटा नाम बताइए आवाज़ नहीं आ रही नाम बताइए ईशा ईशा नहीं ईशा तो बहुत थी आपका नाम भी ईशा है अच्छा चलिए ईशा 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 शर्मा चलिए ईशा शर्मा तो इन्होंने बताया थर्टीन सेवन जा भाई और कोई टेबल होती नहीं दोनों प्राइम नंबर है इसके अलावा कोई नंबर आ ही नहीं रहा ब्रेक करके कैसे कर लीजिए आप फैक्टर कर लीजिए प्लान तो तेरह तो ये आएंगे अब मुझे तो सिक्स लाना है तेरह और सात ट्वेंटी होता है हाँ तेरह सात की प्रोडक्ट तो आ गई लेकिन तो मुझे मान नाइन्टी वन लाना है, यहाँ प्लस का लाना है तो इसको प्लस लीजिए इसको माइनस लीजिए देखिए घटाइए घटाइए सिक्स आ गया प्लस के और इन दोनों के प्रोडक्ट करिए आ गया नाइन्टी वन माइनस के फैक्टर सही है वेरी गुड तो करिए साहब माइनस सेवन एक्स माइनस नाइन्टी वन आप पेयर बना लीजिए पेयर बना के कॉमन ले लीजिए इसमें से एक्स ही कॉमन आता है एक्स प्लस थर्टीन इसमें से माइनस से कॉमन सेवन ले लीजिए सेवन अधिक से अधिक सेवन से ही आ रहा है सेवन के भाग देंगे तो एक्स आएगा माइनस है माइनस बाहर ले रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा और सेवन बन या सेवन सेवन थ्री या ट्वेंटी वन तो ये सेम आ गया देखिए सेम आ गया अगर सेम आ गया तो आपका सवाल बिल्कुल सही चल रहा है तो x प्लस थर्टीन और बाहर वाले ले लीजिए x माइनस सेवनटीन सेवन ये फैक्टर आ गया बराबर का निशान जरूर लगा दीजिए यूं करके सवाल कर रहे हैं तो आज आपकी समझ में सवाल आए फैक्टराइजेशन के सिंपल वाले बहुत आसान सवाल हमने आपको समझाए हैं आज हम इसी मेथड पे सब तरीके सवाल का सवाल समझा दिए फैक्टराइजेशन का लॉजिक बता दिया कैसा कभी आपको गलती नहीं होगी आज एक एक्सरसाइज और कराएंगे आपके घर में आ जाएंगे फैक्टराइजेशन फिर दूसरे तरीके के भी सिखाएंगे अब आप पहले आप नोट कर लीजिए ध्यान करिए करें, प्रैक्टिस करिए घर पे कोई सी किताब ले लीजिए कोई सी ले लीजिए आर एस अग्रवाल की ले लीजिए आर एस अग्रवाल की भी है सब किताबों में ये फैक्टराइजेशन कहीं भी मिले तो आप ऐसा करिए ठीक है चलो पढ़ो